नमस्कार, समाचार कार्य हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में इंसान बहुत परेशान है, वो अपनी जिंदगी जी नहीं पाता है। आज एक इंसान की जिंदगी को अच्छा कैसे बना सकते हैं, एक लाइफस्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है हेल्थ कोच। बहुत ही युवा है, बहुत जीवन का अनुभव किया है, बहुत अच्छे कोच है पूनम जी। पूनम हेल्थ कोच, पूनम जी आपका स्वागत और सम्मान। थैंक यू वेरी मच जी, एंड राजेश जी आपका धन्यवाद करूंगी कि आप ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। राजेश जी, सबसे पहले तो अपना रूटीन हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का करना चाहिए। उठ के पानी इंटेक को करो, एक नॉर्मल इंसान को आइडियल वेट के हिसाब से जो उसका आइडियल वेट होना चाहिए 20 केजी के पीछे एक लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उस हिसाब से अपना पानी किसी का 70 किलो वेट है, हाँ, तो 20 केजी के पीछे। अब 70 है तो उसका मतलब आइडियल वेट क्या रहेगा, आइडियल वेट उसका हाइट और उसका आज की डेट में एज उसके ऊपर पता चलता है कि आइडियल वेट कितना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई 50 इयर्स ओल्ड है, उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच की है और वेट उसका 70 है, उसके लिए क्या रहेगा? 5 फुट 7 इंच, 7 इंच, एंड उनका एज 50 है, तो 5-7 है तो उनका होना चाहिए 3 लीटर पानी उनको पीना चाहिए, 3 से ज्यादा पानी उनको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। एंड पानी 24 घंटे पानी नहीं पी सकते ना, हम रात को सोना है, राइट? तो उस दौरान हम जैसे ही रूटीन हमारा है उस हिसाब से हर आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद, और पानी पीने के टाइम हमें ध्यान रखना है, एक तो बैठ के पानी पीना होता है, सिप सिप करके मुँह में गोल गोल घुमा के पानी पीना होता है, राइट, जैसे कुल्ला करते हैं ऐसे। एंड पानी का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप अपने मटकी का पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, बोतल का पानी ना पिए, प्लास्टिक बोतल में जो हम स्टोर कर लेते हैं, प्लास्टिक बोतल का पानी नहीं पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, मटकी जो हमारे पहले होते थे देसी मटका, मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी एक बहुत अच्छा कार्बन है, इसलिए पानी को अच्छा फिल्टर करता है, तो उस हिसाब से पानी पिए। एंड कार्बोहाइड्रेट, अब डाइट की बात आती है तो कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लो, कोई भी ब्रेड आइटम या मैदा आइटम, जितना इनसे दूर रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। इन चीज़ों को प्रोसेस्ड फूड को इग्नोर करें। उसके बाद फाइबर इंटेक ज़्यादा हमारा होना चाहिए, फाइबर भी हमारा बॉडी को क्लेंजिंग में हेल्प करता है। फाइबर जैसे सोर्सेज क्या है फाइबर के, ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, मल्टी कलर सैलेड ले सकते हैं, जैसे कैप्सिकम डाल लिया एंड उसी में हमने खीरा ले लिया, प्याज ककड़ी मूली जो कुछ हमारे घर में अवेलेबल होता है उसको हेल्दी तरीके से हमें बना के लेना चाहिए। उसके बाद फिर प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है बॉडी को, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो सभी का मसल वीक है, फैट परसेंटेज ज़्यादा जा रहा है बॉडी के अंदर और मसल वीक हो रहा है, जिसकी वजह से ज्वाइंट की प्रॉब्लम आ रही है, एनर्जी वाइज लो फील करते हैं लोग, काम अपना रूटीन में नहीं अच्छा कर पाते, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ है कि उनकी डेफिशिएंसी प्रोटीन की है। अभी आपने बताया कि मसल्स की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, फैट बढ़ रहा है, तो इसको खोल क्यों होता है? मेरे को फैट से मतलब जैसे आप जिम में होता हूं वेट बढ़ा हुआ है बट अंदर से कमजोर है। कई लोगों में फैट परसेंटेज ज्यादा रखे, जैसे बॉडी का जो वेट है ना वो वेट होता है फैट और मसल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, है ना, तो जिस बॉडी में फैट ज्यादा होगा वहां पे मसल वीक होगा, ठीक है, और मसल वीक जैसे ही होगा तो बॉडी इतनी एनर्जी लेवल में नहीं काम करेगी, वो उसके ज्वाइंट भी अच्छे से नहीं रहेंगे, वो एक फिटनेस वाला भी नहीं दिखेगा, फिट नहीं, उसकी शेप भी अच्छी नहीं दिखेगी। एंड फैट जैसे पिलपिला होता है तो वो देखने में वैसा ही लगेगा, राइट, तो ऐसा है। एंड प्रोटीन डाइट हमारी दालें हैं, एंड ज़्यादातर सोया इंजेक्ट करें, सोया दाल जो आती है उसको आटे में भी डाल सकते हैं, या फिर सोया प्रोटीन जैसे हम ले सकते हैं, टोफू को ऐड कर सकते हैं, सोया मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन की डाइट कितनी होनी चाहिए। वो हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का BMR अलग है, हर किसी की डाइट सेम नहीं हो सकती है ना, तो उन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है। फिर फैट, फैट की भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है,
दूध समझ के कि हाँ हाँ ये हमारा पुराना दादा परदादा खाते थे, तो हरियाणा का तो मेन खाना दूध दही का खाना है ना बोला जाता है, बट आज की डेट में ना तो वो दूध हेल्दी है हमारे लिए, ना ही वो दूध से बने हुए आइटम हेल्दी है, ना वो घी हेल्दी है हमारे लिए। क्यों? रीजन है उसके पीछे। पहले के जो लोग खाते थे उनका लाइफस्टाइल जो था वो एक्टिव था, वो काम भी करते थे। आज की डेट में तो जहाँ देखो चेयर भी ले लीजिए, आप बेडरूम में जाते हो तो बड़ी चेयर है, उससे उठ के वॉशरूम जाते हो तो फिर एक चेयर है, मतलब देखो आपकी चेयर ही मिलती है आपको हर जगह, खुद की फिजिकली एक्टिविटी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम जो ये फैट इंटेक कर रहे हैं दूध दही ये हमें हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आगे जाके हमारे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चीज़ें हमें कम इंटेक करनी चाहिए। अगर हमारी एक्टिविटी नहीं है तो हमें हमेशा ओमेगा थ्री जो फैट होता है वो हमें इंटेक करना चाहिए, जैसे ऑयल हमें यूज करनी चाहिए। ऑयल मतलब सरसों का तेल है, तिल का तेल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ये ऑयल पे अगर हम इनको भी चेंज कर करके ऐड करें, क्योंकि हर तेल में न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होती है, तो उस तरीके से कोई भी चीज़ को फ्राइड ना करें। फ्राई जैसे ही हम करते हैं उसी टाइम हमारी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तेज फ्लेम पे खाने को पकाते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमारे हम ऐसे ही कुकिंग वे के थ्रू, गलत कुकिंग वे के थ्रू गवा देते हैं। पहले हमारे फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, ऊपर से हमारा पकाने का तरीका गलत है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू हम तक कुछ पहुँच ही नहीं पाती। और मेन हमारी बॉडी का फ्यूल है विटामिन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिशन, उसी पे हमारी बॉडी टिकी है, उसी के सहारे हमारी बॉडी चलती है। हेल्थ के बारे में बिल्कुल सही बोला है आपने कि आज की डेट में जो एक भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है उसमें काफ़ी लोग अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं एंड एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे, लाइफस्टाइल को करेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं उनको हेल्प करती हूँ लाइफस्टाइल करेक्ट करने में, उनकी हैबिट्स को सुधारने में, वो प्लेटफॉर्म मैंने एक तैयार किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जी। पूनम जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक इंसान बेहतर जीवन कैसे जी सकता है और अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर अच्छा बना सकता है। जी पूनम जी। जी राजेश जी, लाइफस्टाइल को थोड़ा करेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसको टाइम मैनेजमेंट अपनी करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो ये तीन मैनेजमेंट कर जाता है वो हमेशा हेल्दी एंड फिट रहता है और स्ट्रेस फ्री भी रहता है। तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट कहीं ना कहीं हम वो कर नहीं पाते, अकेले नहीं कर पाते। अकेले मतलब जैसे सुना भी है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो सेम ऐसे ही होता है, हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो एक कोच क्रिएट करके देता है। एंड उसी के दौरान मैं हेल्प कर रही हूँ लोगों की कि आज के टाइम में वो लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट करें जूम मीटिंग के थ्रू। थोड़ा समय निकालकर अगर टिप्स इंडिकेट कर सकें ताकि लोग उसको समझ कर आप तक पहुँचे और आपसे बहुत ज्ञान ले सके, अपने जीवन में सफल बना सके। सबसे पहले तो उनको उठना टाइम पे चाहिए, जैसे कि पहले हमारे लोग टाइम से उठते थे, टाइम से सोते थे, तो आज का जो दौर चल रहा है वो टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट, उठने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, और जैसे ही उठते हैं तो उनको हाइड्रेट करना चाहिए अपनी बॉडी को, मतलब पानी इनटेक प्रॉपर करना चाहिए। सबसे पहले पानी पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी 70% पानी की बनी है, राइट। तो पानी पे फोकस नहीं करते हैं आज की डेट में, एड्स वगैरह बहुत सारी आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं, सोडा इनटेक कर रहे हैं, बट एक जो जीरो कैलोरी आपके पास प्रकृति ने दिया है नेचुरल वाटर, उसको इनटेक नहीं करते हैं। हाइड्रेट करने के लिए अपनी बॉडी को सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, एक दूसरे आइटम में चले जाते हैं, बट हेल्दी चीजों को इनटेक नहीं कर रहे हैं। आपने बताया कि सुबह जल्दी टाइम से उठना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तो उसके बाद 70% पानी से बनी इस बॉडी को पानी का ध्यान रखना चाहिए, अन्य बातों को अवॉइड करके पानी ज्यादा पीना चाहिए, थोड़ा व्यायाम वगैरह पानी बना सकते हैं। बिल्कुल बताइए,
रहेंगे। डाइट मतलब हमारी डाइट एक ऐसी डाइट होनी चाहिए कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले हमें, मतलब सुबह से शाम तक जो हम खा रहे हैं, कोई भी आइटम हम इंटेक कर रहे हैं, उसका फूड लॉग आपके पास होना चाहिए, कैलोरी में पता होना चाहिए कि जो आइटम हम उठा रहे हैं खा रहे हैं वो कितनी कैलोरी में हमारे अंदर जा रहा है और कैसे हम उस कैलोरी को सेव करके कैलोरी मैनेजमेंट के साथ साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें ताकि हम थोड़ा सा हेल्दी अपने आप को एक अच्छा फ्यूल दे सकें। अच्छे फ्यूल से ही हमारी बॉडी चल रही है, वो एक खाना जो हमारा है वो एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए, जैसे कार के लिए पेट्रोल की जरूरत है ऐसे ही हमारे बॉडी को एक अच्छे पेट्रोल की जरूरत है, तो वो अच्छा खाना फूड और न्यूट्रिशन हमें देना पड़ेगा। आज की डेट में जो राजस्थानी बीमारियाँ आ रही हैं लोगों में वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही है कि एक तो उनका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक रहता है, मतलब सिंपल कार्ब्स ज़्यादा इंटेक करते हैं, मैदा आइटम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है डाइट में, या फिर उनका रहता है कि फ्राइड आइटम आ गया है ज़्यादा, प्रोसेस फूड पे ज़्यादा आ गई है जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन मिनरल्स की डेफिशेंसी आ रही है एंड उनके अंदर एक कैलरी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से फिर भी कर लेते हैं बट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों से। एंड दूसरा रीजन ये रहता है कि उनकी एक्टिविटी भी नहीं होती है उस लेवल पे, बॉडी को डेली स्ट्रेचिंग की जरूरत है, एक्टिविटी की जरूरत है एंड एक्टिविटी हम अपने आप से अगर करते हैं तो हमें नहीं पता, आज के डेट में हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हम अपनी बॉडी को कौन सी एक्टिविटी दें और ये क्या सही कंडीशन है, सही टाइम है हमारी बॉडी को। जैसे कई बार लगता है कि बैकबोन की प्रॉब्लम है पर सूर्य नमस्कार कहीं टीवी से देख के या यूट्यूब से देख के करने लग जाए तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो उनके लिए सही नहीं है। तो एक्टिविटी भी डिपेंड करती है कि आपको आज की डेट में हेल्थ कंडीशन क्या है और कौन सी एक्टिविटी आपको सही टाइम पे करनी चाहिए, एक कोच गाइड करता है इन चीज़ों के बारे में। जी धन्यवाद। अब आप ये बताएंगे कि कोई हेल्थ के आपसे हेल्प लेना चाहे तो किस तरह आपसे संपर्क करें, आप किस किस रास्तों से हमारे दर्शकों की सेहत अच्छा रहने में हेल्प कर सकते हैं। जी, अगर कोई अच्छे से अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन मीन्स जैसे उनका बॉडी माइंड सोल तीन चीज़ों पर काम होना चाहिए, जैसे कि हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, बहुत बड़ी एक जो समाज को जो सेवा है इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।